मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि ये नॉट राइट मैन, ये अनस्टेबल मैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। पंजाब कांग्रेस में एक बड़ा सियासी ड्रामा पिछले कई दिनों से चल रहा है। इस ड्रामे की पहली कड़ी सिद्धू वर्सेस कैप्टन थी। कैप्टन कहते रह गए कि सिद्धू देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी नहीं सुनी और कैप्टन को सिद्धू के आगे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इसकी दूसरी कड़ी शुरू हुई है और इस नए अध्याय का नाम है सिद्धू वर्सेस राहुल गांधी। मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद पंजाब कैबिनेट मंत्री समेत चार नेताओं ने भी इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में राहुल गांधी से सलाह के बाद ही कैबिनेट का विस्तार किया था। अब सवाल है कि क्या सिद्धू को राहुल गांधी के फैसले पर आपत्ति है? तो नाराज सिद्धू को कोई नहीं मनाएगा क्या? तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और हरीश रावत, अब जो कांग्रेस आला कमान की ओर से संकेत यही दिए गए हैं कि जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं वही इस मामले को सुलझा दें, और हरीश रावत पंजाब नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो पूरी परिस्थितियां जिस तरह से बनती हुई नजर आ रही हैं कि पंजाब कांग्रेस के नेता आपस में इस मुद्दे को सुलझा लें, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पंजाब में चल क्या रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल इस वक्त है। सिद्धू के करीबियों के इस्तीफे का दौर जारी है। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना समेत अब तक चार का इस्तीफा हो चुका है। पंजाब के दो कैबिनेट मंत्री सिद्धू को मनाने के लिए पहुंचे हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। पंजाब कांग्रेस पर सिद्धू को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी यूपी के दौरे पर हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सिद्धू स्थिर व्यक्ति नहीं है, और सीएम चन्नी ने कहा है कि सिद्धू की नाराजगी मुझसे तो नहीं। और पंजाब में जारी इस घमासान पर अब सवाल यह है कि नाराज सिद्धू को क्या कोई नहीं मनाएगा? पंजाब में सिद्धू ने कांग्रेस को क्या हिट विकेट कर दिया है? सवाल तो यह भी है कि कैप्टन क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या है, क्या कैप्टन की पिक्चर अभी बाकी है? पंजाब कांग्रेस में कलह का अंत कब होगा? और सिद्धू की गुगली से क्या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और इस चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली इस वक्त हमारे साथ हैं, पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिरोमणि अकाली दल का पक्ष रखने के लिए परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अहबाब सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी, ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, इस्तीफों की घड़ी, हो क्या रहा है? इसको तो नाम दे देना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन कंफ्यूजन पार्टी। देखिए, अगर ऐसे नाम बदलना शुरू कर दे तो भारतीय जुमला पार्टी करना पड़ जाएगा। दूसरी बात, एक कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, नोबडी शुड हैव एनी से इन इट। तीसरी बात, कांग्रेस की फिक्र इन पार्टीज को ज्यादा हो रही है, लेकिन कांग्रेस को फिक्र है पंजाब की, पंजाब के लोगों की, पंजाब के विकास की और पंजाब के काम की। ये फोकस कर सकते हैं प्रोपेगेंडा पे, हम फोकस कर रहे हैं काम करने पे। थर्ड, ये बीजेपी वाले दे ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, बिकॉज 7 महीनों में जो इनके 5 मुख्यमंत्रियों ने रिजाइन किया है, इससे बड़ी मिसाल कुछ नहीं हो सकता कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का घान इन्होंने किया है, उसका कत्ल कर दिया है। इनकी पार्टी में ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ना डिसेंट है, और ना ही इनके लीडर्स बोल सकते हैं। येदुरप्पा साहब जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपके घर की लड़ाई तो सड़क पर आ गई है, आपके घर की लड़ाई तो सड़क पर आई हुई है। देखिए, आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि 2-4 मुद्दे हैं, सुलझा लिए जाएंगे। अगर सुलझाने ही थे तो बैठकर आपस में पहले ही सुलझा लिए जाते, पब्लिकली इस तरह से इस्तीफा तो ना देते नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए, ऐसी बात है, कांग्रेस पार्टी में आज भी लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिसेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कायम है।
जो हमारे लीडर्स बोल सकते हैं, इनके मुख्यमंत्री तक बोल नहीं पाते थे रिजाइन करके, 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में, 4 महीनों बाद रिप्लेस होते रहे मुख्यमंत्री। तो मैं आपको कहूंगा मैडम कि कांग्रेस पार्टी खुश है विद अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपथी, एम्पथी, कंपैशन और काम, ये हमारे सिग्नेचर्स हैं, ये कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बीजेपी की एग्जिस्टेंस पंजाब में उतनी अच्छी है जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, शून्य। आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी, तीनों मिल भी जाए ना तब भी जीत नहीं पाएंगी। मैं आपको बता देता हूं क्यों। श्रोमणी अकाली दल के नाम से 5 पार्टी फ्लोट करी, एसडी टक्साली, एसडी यूनाइटेड, एसडी अमृतसर, एसडी संयुक्त, एसडी एंड व्हाट नॉट। इनके वर्कर्स को नहीं पता हमारी लीडरशिप कौन है, किसको एड्रेस करना है। आम आदमी पार्टी के बारे में उनके एमएलए जी, मंत्री आपके इस्तीफे दे रहे हैं, कहीं शपथ ग्रहण हो रहा है, फिर इस्तीफे हो रहे हैं, फिर एक दूसरे को मनाने में लगे हैं। आप कह रहे हैं कि आप तो पंजाब के विकास पर आपका फोकस है, ये तो कुर्सी पर फोकस है। अब देखिए काम पर तो फोकस हो ही नहीं रहा, काम हो कहां रहा ये बताइए। आपने कहा कुर्सी पे फोकस है, गलत कहा आपने। आपने लेटर के नीचे नहीं देखा क्या लिखा हुआ है। After the resignation, it's been categorically mentioned कि I will continue to serve Congress. मैं Congress की सेवा करता रहूंगा। उन्होंने quit नहीं किया है। It's an internal matter. इनके पास मुद्दे की बात नहीं, काम की बात नहीं, तो propaganda फैलाते हैं, which is not their fault. BJP राजीव जेटली जी, आप propaganda करते हैं, ये internal fight है, ये आपस में सुलझा लेंगे। देखिए फार्मूला तो राहुल गांधी जी का ही अपनाया सिद्धू साहब ने, नाव में छेद कर दिया और बैठकर मछली पकड़ रहे थे ये सोच के कि जल्दी पानी भरेगा और मछली नाव के अंदर ही आ जाएगी। अब जिस नाव में बैठे थे वो डूबनी तो थी, तो ये इतना भारी भरकम इधर उधर इधर जाके विकास डेवलपमेंट दिस दैट इनकी बातों की जरूरत नहीं कहने की। राहुल गांधी जी के एजेंडे पर सिद्धू चल रहे थे, अभी तक जो उन्होंने बात उनको बोली उसको फॉलो करते चले गए। राहुल गांधी जी के ऊपर इल्जाम हमने नहीं सिद्धू साहब ने लगाया, और सिद्धू साहब की पोल किसने खोली, कैप्टन अमरिंदर साहब ने। और अभी तक देखिए इस भारतीय जनता हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी इल्जाम किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर पंजाब में नहीं लगाया। ये तो आपस में एक दूसरे के ऊपर जूता बाजार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई चल रही है इनकी, जिसका मंत्री पद में मंत्री की शपथ लेने के बाद आदमी रिजाइन कर दे, इससे बड़ी सोची क्या, इससे बड़ा बद्दा मजाक क्या हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। क्योंकि अभी हमें बड़ी खबर ये मिल रही है, मैं आपके पास लौट रही हूँ, कांग्रेस सलाहकमान ने सिद्धू को मनाने का जिम्मा पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को दिया है। सूत्रों के मुताबिक आज जो कैबिनेट की बैठक है, आपको बता दें उसमें सीएम चन्नी इस मुद्दे पर अपने सभी सहयोगियों से बात करेंगे। इसके अलावा चन्नी राज्य के बाकी नेताओं के साथ भी इस मसले पर बातचीत करेंगे। तो अब सिद्धू को मनाने की जो जिम्मेदारी है वो सीएम को दे दी गई है। हम इस पर और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। अमित भारद्वाज, आप क्या सीएम की बात मान लेंगे नवजोत सिंह सिद्धू? देखिए मुख्यमंत्री की बात मानने की अगर बात होती तो वो बता के इस्तीफा देते। मुख्यमंत्री को तो बाद में पता लग रहा है कि इस्तीफा दे दिया अपने पद से उन्होंने। पार्टी में कंटिन्यू करेंगे, काम करते रहेंगे, पर काम होगा कब? जो आप विपक्ष के ऊपर जो कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, आप पहले अंदर तो देखिए कितना बड़ा विपक्ष बन गया है। कल ही जो है कई नेताओं ने बयान दिया, रवनीत बिट्टू ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आरएसएस ने वहां प्लांट किए, अपने ही लोगों पे जो है वो इशारा कर रहे हैं और अपने ही लोगों के लिए वो बोल रहे हैं कि उनको प्लांट किया गया है किसी ने, कि कांग्रेस के सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से जो है वो चीजें खराब कर दी। अगर किसी ने बयान नहीं सुना है तो वो बयान वहां पर पड़ा हुआ है, जी मीडिया नेटवर्क पे भी वो बयान आया था, सबने उस बयान की चर्चा की है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उसमें दिक्कत क्या थी? पहले सुनील जाखड़ ने जो कल ट्वीट किया है उसको शायद कांग्रेस के लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सुनील जाखड़ ने कहा है कि ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है, आपने जो इस्तीफा दे दिया है, जो आपने अपने पद को छोड़ दिया है, ये तो धोखा किया आलाकमान के साथ। आलाकमान ने आपके ऊपर विश्वास किया और विश्वास का ये आपने विश्वासघात किया। तो ये सारी चीजें जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, जो ग्राउंड पे जिनका लेगवर्क है वो खुद लिख रहे हैं, जो हवा में बैठ के बातें करते हैं उनके लिए शायद चीजें अलग होंगी, लेकिन जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो दिग्गज नेता है, बड़ा नाम है उनका कांग्रेस में, उन्होंने काम किया है, कांग्रेस को यहां तक पहुंचाया है, वो खुद बोल रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो
चीजें बोल रहे थे वही वैसा ही हुआ कि दिस मैन इज नॉट स्टेबल। तो अब मुख्यमंत्री जो चन्नी है उनकी बात वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे वो अलग बात है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में आज जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो ब्रह्म महिंद्रा है, चाहे वो तृप्त रजिंदर बाजवा है, चाहे वो सुखजिंदर सिंह रंधावा है, कल भी हमारी उनसे एक्सक्लूसिव बात हुई थी, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि अंदरूनी जो क्लेश है वो मिट जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने एक और मिसाइल दाग दी। तो यहां पर एक बात याद आती जो सुखबीर बादल ने कुछ अरसे पहले कही थी, उन्होंने कहा था कि सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है, जो उसको छोड़ेगा उसी पे आकर तुरंत गिर जाएगी, और वैसे ही आलाकमान की स्थिति है आज, उन्होंने एक मिसाइल छोड़ी कि चलिए कैप्टन को हटा दिया जाएगा, कांग्रेस जो है वो फतेह करेगी। सुखबीर सिंह बादल का आपने जिक्र किया, शिरोमणि अकाली दल से परविंदर सिंह सेठी भी हमारे साथ हैं। परविंदर सिंह सेठी जी, कांग्रेस पार्टी को तो लग रहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने चल दिया कि एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सबके सामने रख दिया, तो ये तो बिल्कुल अब मेस नजर आ रहा है, मास्टर स्ट्रोक नहीं मेस। नहीं देखिए सुखबीर जी ने कहा था कि सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है, ये किसी के ऊपर भी फट सकती है, वो उनकी बात बिल्कुल सच हो गई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी ड्रामा रचा गया है उसके सूत्रधार सिद्धू साहब थे, और वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि उन्होंने सीएम बनने के लिए सारा अपना वो रचा। लेकिन ये बीच में कौन बोल रहा है, ये बीच में देखे प्लीज नहीं, परविंदर जी कोई बोल नहीं रहा है, हो सकता है कोई सूत्रधार से कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो। जी आप अपनी बात रखिए, आपकी बात हम तक पहुंच रही है। ओके जो जी 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 मैं कह रहा हूं कि सिद्धू साहब ने इतना जो ड्रामा रचा अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए, उनका नाम आ भी गया, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के गंभीर आरोप लगाए तो कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड को सोचना पड़ा, और उसके बाद कभी अंबिका सोनी जी का नाम आता है, कभी सुनील जाखड़ जी का नाम आता है, कभी रंधावा जी का नाम आता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले सुखबीर बादल जी ने ये अनाउंस करा था हमारा अलायंस बीएसपी से होने से पहले कि हमारा जो डिप्टी सीएम होगा वो एक दलित होगा। इसके बाद पूरी राजनीतिक पार्टियों के अंदर ये एक होड़ लग गई थी, कोई अपना सीएम पद के लिए, कोई डिप्टी सीएम के लिए, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने चन्नी जी को बनाया। लेकिन सिद्धू साहब ने सोचा कि मैं चन्नी जी को रिमोट कंट्रोल के साथ चला लूंगा, लेकिन चन्नी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके ऊपर मेरे को लगता है कि हाई कमांड ने पूरी पावर दे दी, और उनको ये भी नजर आ रहा था कि आने वाले समय के अंदर जो चेहरा है, एक बार अगर दलित चेहरा आ गया उसको हटाना हाई कमांड के बस की भी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो उनको हटाते हैं या कुछ करते हैं तो उनको इसका खमियाजा पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। पहली बात तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती, क्योंकि इसके बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े प्रवक्ता नेशनल टीवी पर आकर कह चुके हैं कि हमने 4.5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ, गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है, जो मैनिफेस्टो में 18 वादे करे गए थे उसमें से कोई भी काम नहीं हुआ। उसके अंदर सिद्धू साहब भी 2.5 साल मंत्री रहे हैं और अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर कांग्रेस का टोटल फेलियर है और आने वाले चुनाव के अंदर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक वीक हाईकमांड है, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कंट्री का कोई डिसिप्लिन नहीं है, देश के प्रति कोई डिसिप्लिन नहीं है, प्रांत के प्रति कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये इस तरह की जो समस्याएं हैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को की इमेज को खराब करती हैं, इसके लिए सारी पार्टियों को चिंता करनी। हमारे साथ अहबाब जी भी हैं। अहबाब जी ये देखिए, पहले नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, तो अब अगला पड़ाव क्या होगा, आम आदमी पार्टी हो सकता है? देखिए ये तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आम आदमी पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने शुरू में बिल्कुल ठीक कहा था, ये ड्रामा है, और ये ड्रामा क्यों हो रहा है, ये ड्रामा इसलिए हो रहा है कि 4.5 साल कैप्टन साहब ने खाया, अब जो आखिरी 6 महीने 4-5 महीने रह गए हैं उसके उस टुकड़ों के लिए लड़ाई हो रही है, टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं, इनमें से किसी को पंजाब का दर्द नहीं है, वही मंत्री दोबारा बना दिए गए हैं, और जो माफियाज हैं जैसे राणा गुरजीत थे, इनको फिर से धड़ल्ले से वापस लाया गया है। सो ये कोई चेंज नहीं हुई है, ये सिर्फ ये हुआ है कि कांग्रेस वाले शोर मचा रहे थे कि कैप्टन साहब, महाराज साहब खुद सब कुछ खा रहे हैं, हमें खाने नहीं दे रहे। और अब क्या हुआ है कि सिद्धू साहब को ये लग रहा है कहीं कि ये सबसे बड़ा तो मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, अब चाहे इनको पता, इनको भी है कि सरकार दोबारा नहीं आनी, इनको ये था कि 4-5 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, शायद मैं कुछ कर लेता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो ठीकरा है, सिद्धू साहब क्या कोशिश कर रहे हैं, 4.5 साल की कैप्टन साहब की नाकामियों को ये चन्नी साहब के सिर पे डाल के फोड़ के और लोगों के सामने जाके ये ड्रामा करेंगे कि देखिए अब मैं साफ सुथरा होके आ गया हूं, मैं नई कांग्रेस लेके आया हूं। लेकिन पंजाब के लोग
बिल्कुल आप बेवकूफ नहीं बनने वाले। क्यों? क्योंकि आप इनके प्रवक्ताओं का रिकॉर्ड देख लीजिए। पहले कैप्टन साहब महाराजा साहब थे, सब कुछ बढ़िया था, फिर कैप्टन साहब उनके एडवाइजर बुरे हो गए, फिर सिद्धू साहब सब कुछ ठीक करने लग गए, अब चन्नी साहब ठीक करने लग गए हैं। और ये आपको मैं आज लिख के दे देता हूं, ये ड्रामा इस प्रकार से हो रहा है। अगले 72 घंटों में सिद्धू साहब वापस आएंगे। सिद्धू साहब टीआरपी लेना जानते हैं, वो ड्रामा करते हैं, टेंटरम्स थ्रो करते हैं, और वो वापस आएंगे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और पंजाब के लोग ये मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को कह रहे थे कि पंजाब के काम हो रहे हैं। अरे भाई, आपके तो मंत्री अब तक मिनिस्ट्रियों में नहीं गए, आपके आपके कल तक तो बंदर बांट के लिए लड़ाई हो रही थी कि किसको कौन सी मिलेगी। यही सवाल मैंने उसे पूछा भी था, यही सवाल मैंने उसे पूछा भी था अर्शप्रीत, ये ड्रामा हो रहा है, लेकिन ये ड्रामा आप पंजाब के लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं? उनको क्या मिल रहा है? अब मेरी बात को काइंडली मैं आपके दर्शकों को कहूंगा, काइंडली समझिए इस बात को। ये कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, इन्होंने पिछले 10-15 दिनों में ट्रेलर देख लिया है, जो पानी के बिल, बिजली के बिल वेव ऑफ किए गए हैं, जो 200 की जगह 300 फ्री इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट दिए गए हैं, मकान गरीबों के डलने शुरू हो गए हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट को पैसे दे दिए गए हैं करोड़ों रुपए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, पेस्टिसाइड फ्री कर दिए गए हैं, डी क्लास डी कैटेगरी के जो वर्कर्स है उनको रेगुलराइज कर दिया गया है, फ्री जॉब्स ऑलरेडी देनी शुरू कर दी है सरकारी, जो शहीद हुए थे किसान उनको सरकारी जॉब्स दे दी है। ये बात करें कि काम नहीं हो रहा, और पहले की बात भी बता दूं, 4635 करोड़ का कर्जा माफी पंजाब सरकार ने, ये सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी तक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही संभाला हुआ था जिम्मा, तो फिर तो आप मान रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ये सारा काम हुआ है, उन्हीं को आपने किनारे लगा दिया? नहीं, देखिए मैंने आपको ये टाइम का जो 10-15 दिन का काम है वो भी बता दिया। 10-15 दिन में काम हो गया मैडम? ये 10-15 दिनों के काम है जो मैंने आपको गिनाए हैं, मैं आपको दूसरे गिनाने लग जाऊं रात हो जाएगी, अब से शुरू से लेके अब तक आप बताइए, गिनाओ मैं जो जो काम हुआ है 4.5 सालों में, बताइए आप, बताइए। अब आपकी जो लिस्ट है वो फिक्टिशियस, आप कोई भी रख देंगे तो वो तो कोई मानने के लिए तैयार होगा नहीं। अश्विनी बात करूंगा मैडम, फैक्ट बेस्ड बात करूंगा, आप चेक, ये कौन आपको बिलीव करेगा? आपके अपनी पार्टी के नेता वो कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्रस्ट तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है आला कमान का। और तो आपसे क्या सवाल पूछेंगे, आपके पार्टी के नेता ये सवाल खड़े कर रहे हैं। जब हमारी पार्टी के सिद्धू साहब कह रहे हैं कि आई विल कंटिन्यू द सर्व कांग्रेस, तो कैसे आप नहीं, सुनील झाकर का ट्वीट आपने नहीं देखा है क्या अश्प्रीत जी? सुनील झाकर का ट्वीट आपने नहीं देखा है क्या? क्यों मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं, क्यों उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है? आप कह रहे हैं काम हो रहा है, में कितना बड़ा तूफान आ सकता है? इट्स नथिंग मोर देन दैट कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन द बीजेपी। बीजेपी में बड़े बड़े तूफान आते रहे हैं, कोई शब्द नहीं बोल सकता था। कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र है जो ये बाहर आती है चीजें, वहां जरूर बदले गए हैं, लेकिन एक स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिला है। इस तरह से वहां पर इस्तीफे कम से कम किसी ने नहीं दिए, वो सवाल हम बीजेपी नेताओं से पूछते रहे हैं अर्शप्रीत जी। कांग्रेस में वहां भी मुख्यमंत्री क्यों बदले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से इस्तीफे तो नहीं दिए जा रहे कम से कम, और आप कह रहे हैं काम हो रहा है। मैं कह रहा हूं मैं एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे मतभेद है, मनभेद नहीं है। सभी कांग्रेस लीडर्स चाहते हैं कांग्रेस ज्यादा बेटर परफॉर्म करे, ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करे और वापस आए 2022 में। मैं इस चीज का आपको दावा कर करके बता रहा हूं कि कांग्रेस पंजाब के भले के लिए डिफरेंस इन ओपिनियन रख रही है कि ज्यादा भला कैसे कर सकते हैं एग्जीक्यूशन में, नथिंग मोर देन दैट। अनलाइक द बीजेपी, यहाँ पे पावर हंग्री लीडर्स नहीं है, एक बंदा पूरी पार्टी को नहीं चलाता, तानाशाह। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक चीज बहुत स्पष्ट करके, कि बीजेपी की दरवाजे की बाहें ऐसे खुली हुई हैं कि कोई लीडर आ जाए हमारी पार्टी में, शायद एक आधी सीट हम भी जीत लेंगे, बिकॉज इनकी जमानत यहाँ पे होने लगी है जब्त। तीसरी बात यह है कि हमारी बात छोड़िए, पार्टी से एग्जिट ज्यादा हो रहा है बजाय की एंट्री के, एग्जिट ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फिक्र है लोगों की और जो किसानों का मुद्दा है, चुनाव भी दूर नहीं है और जनता जनार्दन होती है जो फैसला देती है और वही तय करती है। फिक्र है हमें किसानों की, फिक्र है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द फोकस ऑन अस उन पे फोकस रखिए। साल हो चुका है कोई बोल नहीं रहा उस चीज के बारे में, इसको नेशनल डिबेट बनाने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था ये जो सिरदर्द बना हुआ है इसे ले जाइए दूसरे राज्यों में, पंजाब में इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये आप ही के पार्टी के नेता कह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कह चुके हैं। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।